Welcome back to my YouTube channel, Civil Services and Aspiration. So today we are going to study about the BIMSTEC, which is an international organization. So firstly, let's see that what is BIMSTEC. So the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. So this is the full form of BIMSTEC, which is the bay of bengal initiative for multi-sectoral technical and economic corporation it is a regional multilateral organization ek regional multilateral organization hai. so here you can see the map of uh, BIMSTEC nations which are involved in this so let us discuss it so its member lie in the uh, littoral and adjacent of द बे ऑफ बेंगाल कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कॉन्टिगस रीजनल यूनिटी तो जो ये सारी कंट्रीज हैं ये अराउंड बे ऑफ बेंगाल की हैं इसकी वजह से इसका नाम बे ऑफ बेंगाल के नाम पर पड़ा है सो दे आर आर टोटली सेवन मेंबर्स आउट ऑफ विच द फाइव फ्रॉम फ्रॉम साउथ एशिया एंड टू आर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया सो द कंट्रीज फ्रॉम साउथ एशिया आर बांग्लादेश भूटान नेपाल श्रीलंका दीज आर Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, and Sri Lanka. So, here you can see in this map, these are Bangladesh, India, Bhutan, Nepal, and Sri Lanka from South Asia and the two countries from southeast asia these are myanmar and thailand myanmar is also known as a burma so here you can see in the orange and purple shade myanmar and thailand सो बिमस्टेक नॉट ओनली कनेक्ट साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया बट ऑल्सो द इकोलॉजीज ऑफ द ग्रेट हिमालयास एंड द बे ऑफ बेंगाल मतलब जो बिम्स्टेक है ये सिर्फ साउथ ईस्ट या साउथ की साउथ एशियन कंट्रीज को ही नहीं जोड़ता बल्कि जो इकोलॉजीज हैं वहाँ की ग्रेट हिमालयास हैं बे ऑफ बेंगाल हैं उसे भी कनेक्ट करता है सो इट मेनली एम्स टू क्रिएट एन इनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सलरेट सोशल प्रोग्रेस एंड प्रमोट कोलेबोरेशन ऑन मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन द रीजन इट मीन्स दैट द मेन एम ऑफ द बिमस्टेक इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज नेशंस दे आर सोशल प्रोग्रेस एंड ऑल्सो प्रमोट द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द रिजन नाउ लेट सी द जीनीज ऑफ बिम्स्टेक मीन्स इसका ओरिजिन कैसे हुआ है इसकी हिस्ट्री क्या है

तो पहले इसका नाम था बिस्टेक विच इज बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका एंड थाईलैंड इट बी रीनेम्ड एज बिमस्टेक इन 1997 फॉलोइंग द इंक्लूजन ऑफ म्यांमार तो जब इसमें म्यांमार को इंक्लूड किया गया तो इसका नाम ना चेंज होकर हो गया बिम्स्टेक 1997 में ही विद द एडमिशन ऑफ नेपाल एंड भूटान इन 2004 जब नेपाल और भूटान को ऐड किया गया इस ग्रुपिंग में 2004 में तो इसका नाम रख दिया गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कार्पोरेशन नाउ मूविंग फॉरवर्ड एंड सी द ऑब्जेक्टिव्स सो इट क्रिएट्स एंड एनेबलिंग एन्वायरमेंट फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सब रीजन इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो साउथ ईस्ट और साउथ एशियन नेशंस हैं जो भी मेम्बर हैं इस कंट्री के एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट uh, करना जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू इंकरेजिंग द स्पिरिट ऑफ इक्वेलिटी एंड पार्टनरशिप ंग द नेशंस सो आपस में एक दूसरी कंट्रीज के साथ इक्वालिटी करना और पार्टनरशिप में रहना थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोमोटिंग एक्टिव कोलेबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन द एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर कंट्रीज इसका मतलब ये है कि जो जितनी भी सारी मेंबर कंट्रीज हैं हर कंट्री का एक कॉमन इंटरेस्ट होता है तो उस कॉमन इंटरेस्ट को लेके और भी ज़्यादा असिस्टेंस देना एक दूसरी कंट्री को कोलेबोरेट करना उनके साथ दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिमस्टेक एंड द अनदर ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सलरेटिंग द सपोर्ट फॉर ईच अदर इन फील्ड्स ऑफ एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीन्स दीज आर द्री मेजर एरियाज अपॉन विच द बिम्स्टेक इंटरनेशनल ग्रुपिंग फोकसेस नाउ लेट सी द पोटेंशियल दैट वट बिम्स्टिक कैन डू सो इट ब्रिज बिटवीन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड रिप्रजेंट अ इन्फोर्समेंट ऑफ रिलेशन अमंग दिस कंट्री ये ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एशिया में कुछ साउथ की कंट्रीज हैं कुछ साउथ ईस्ट की नेशन्स हैं तो ये ब्रिज का काम करता है बिटवीन दैम इट इज अ प्लेटफॉर्म

22% of the global population. Matlab, jo ye Sari countries hai, in a total population around 1.5 billion people, hogi, uh, which is a 22% of the global population. So it is a home to them. Another is with a combined gross domestic product means the GDP of 2.7 trillion economies, BIMSTEC member states have been able to sustain an average 6.5. इकोनॉमिक 6.5 परसेंट इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रांजेक्टरी इन द लास्ट फाइव ईयर और जब से इसका क्रिएशन हुआ उसकी वजह से जो हमारी जीडीपी है नेशंस की उसमें भी 6.5 परसेंट का इंक्रीज हुआ इन द लास्ट फाइव ईयर्स नेक्स्ट इज इट इज अ फोर्थ ऑफ द वर्ल्ड ट्रेडेड गुड्स अक्रॉस द बे एवरी ईयर मतलब जो बे ऑफ बेंगाल है ओशियन है सी है उससे फोर्थ लार्जेस्ट वर्ल्ड में बन गया है एज अ मीन्स ऑफ ट्रेड अनदर पोटेंशियल इज द इम्पॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बिम्स्टेक नेशन से बहुत सारी प्रोजेक्ट्स uh, कनेक्ट हुए हैं विच आर कालियान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट विच इज लिंक बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार एशियन ट्राइलेटरल हाईवे विच कनेक्ट इंडिया एंड थाईलैंड थ्रो म्यांमार म्यांमार के साथ था और इंडिया को कनेक्ट करता है एंड थर्ड प्रोजेक्ट इज बांग्लादेश भूटान एंड नेपाल बांग्लादेश भूटान इंडिया एंड नेपाल विच इज बीबीआईन सो इट इज अ मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट फॉर सीमलेस फ्लो ऑफ पैसेंजर्स एंड कार्गो ट्रैफिक मीन्स विदाउट एनी डिस्टर्बेंस एक सीमलेस फ्लो होना पैसेंजर्स का फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नाउ लेट सी दट इज द सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया इंडिया के लिए क्या इसकी महत्वता है सो इट अलाउज इंडिया टू परस्यू थ्री कोर पॉलिसीज सो दीज थ्री कोर पॉलिसीज आर फर्स्ट इज नेबरहुड फर्स्ट मीन्स प्राइम टू द कंट्रीज इमीडिएट फेरी फेरी तो मतलब जो uh, ऐसा कहा जाता है मुसीबत में सबसे पहले काम पड़ोसी आते हैं सो अप्लाइंग दिस दिस विल एक्ट एज अ नेबरहहुड फर्स्ट पॉलिसी इफ इंडिया इज इन डिफिकल्ट सिचुएशन दिस कंट्री विल ऑब्वियसली हेल्प अनदर इज एक्ट ईस्ट विच कनेक्ट इंडिया विद साउथ ईस्ट विद साउथ ईस्ट एशिया मतलब साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री हैं जो उनको कनेक्ट uh, करता है इंडिया के साथ एंड थर्ड इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है बाई लिंकिंग दाम टू द बे ऑफ बंगॉल रीजन बाय बांग्लादेश एंड म्यांमार क्योंकि बे ऑफ बंगॉल की वजह से ये कनेक्ट कर पाता है बांग्लादेश एंड म्यांमार को विद द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया And the second significance is that it allows India to counter China's creeping influence in the countries around the Bay of Bengal due to the spread of its Belt and Road Initiative. that China ka Belt and Road Initiative start. Ho chuka hai. So as you all of you know that uh, uh, China has created a belt and road initiative so this it will help India to counter China with the help with these BIMSTEC nations. It will creep uh, the influence of these countries. this will creep the influence of China in these country. Uh, a new platform for India to engage with its neighbors and South Asian Association for Regional Corporation becoming dysfunctional because of differences between India and Pakistan. So in uh, Pakistan, ki se, India ka, uh, from the SARC means South Asian Association for Regional Cooperation, which is also an international organization to उसका फंक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा सार्क के साथ इंडिया का तो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है विद विद द द द नेबर कंट्रीज ऑफ ऑफ दीज साउथ एशियन नेशन सो आर सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया नाउ लेट सी द एरियाज ऑफ बी मीन्स जो ये बिमस्टिक है ये किन किन एरियाज पर अपना वर्क करता है सो दीज आर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी एनर्जी Transport and communication, tourism, fisheries, agriculture, cultural cooperation, uh, environment and disaster management, public health, people to people connect, people to people contact, uh, poverty elevation, counter terrorism, and transnational crime, uh, climate change. These are the major areas upon which the BIMSTEC focuses. Now, let's see the institutional mechanism of the BIMSTEC. सो फोर्टली इट इज़ अमस्टिक समिट विच इज़ अ हाइएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी इन बिम्स्टिक प्रोसेस एंड इट्स कंप्राइज ऑफ हैड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ द मेम्बर स्टेट इस मीटिंग में समिट में जो स्टेट के या कंट्रीज के हेड होती है गवर्नमेंट होती है वो पार्ट लेती है सेकेंड इज मिनिस्ट्रियल मीटिंग मीन सेकेंड अपेक्स पॉलिसी मेकिंग फॉरम इट इज़ द अनदर फॉरम ऑफ बिम्स्टेक विच इज विच इज अटेंडेड बाई द एक्सटर्नल और द फॉरन अफेयर मिनिस्टर ऑफ द मेम्बर स्टेट जितने भी मेम्बर नेशंस हैं उन सबके फॉरन मिनिस्टर्स मीटिंग करते हैं Another is senior officials meeting, which is represented by the senior officials of foreign ministers of the member state. Means foreign ministry ke jo senior officials. Hai, uh, these are represented by them. And another is BIMSTEC Working Group. It is attended by the ambassadors of BIMSTEC member countries to Bangladesh or their representative on a monthly basis at the BIMSTEC Secretariat in Dhaka. Every month, Uh, इनका सेक्रेट्रिएट है ढाका में वहां पर इनकी मीटिंग होती है बाय द एम्बेसडर्स बिजनेस फोरम एंड इकोनॉमिक फोरम दिज आर द टू इम्पॉर्टेंट फोरम टू इंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको ये अच्छे से देखते हैं कि क्या उनका अच्छे से एक्टिव पार्टिसिपेशन है या नहीं सो हे द वट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द बिमस्टेक बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है लेकिन बिमस्टेक ने उतना प्रोग्रेस नहीं हो पाया है सो नाउ लेट सी दट आर दैलेंजिज वट आर द चैलेंजेस फेस्ड ड्यूरिंग दिस टाइम सो फोर्सली इज इन कंसिस्टेंसी इन मीटिंग

मीन्स uh, uh, समान रूप से मीटिंग्स uh, नहीं हो पाती सेकेंड इज नेग्लेक्ट मेंबर स्टेट इट सीम्स डेट इंडिया हैव यूज्ड ओनली व्हेन इट फेल्स it seems that india has used bim uh, bimstec only when it fails to work through SARC. means aisa dekha gaya hai ki india ka jab bhi contact SARC se nahi ho pata then ye bimstec ki taraf badhta hai in the regional setting and other major members like thailand and myanmar are focused more toward asean than bimstec और जो दूसरी कंट्रीज हैं जैसे कि थाईलैंड और म्यांमार ये आशियान पर ज्यादा फोकस करती हैं अदर देन द बिम्स्टेक तो इस वजह से जो मेंबर स्टेट है वो निग्लेक्ट करते जा रहे हैं बिम्स्टेक को अनदर इज ब्रॉड फोकस एरिया सो द फोकस ऑफ द बिम्स्टेक इज वेरी वाइड देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट इट इज नॉट वाइड सो द फोकस इज वेरी वाइड इंक्लूडिंग फोर्टीन एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन लाइक कनेक्टिविटी पब्लिक हेल्थ एग्रीकल्चर एड सेक्ट्रा इट इज़ सजेस्टेड दैट बिम्स्टैक शुड रिमेन कमिटेड टू स्मॉल फोकस एरिया एंड कॉर्पोरेट इन दैम एफिशेंटली मीन्स ज्यादा एरिया को एक साथ लेने से अच्छा है कि आप छोटे एरिया पर ज़्यादा फोकस करो सो विच इज़ अ चैलेंज फॉर द बिमस्टैक नेक्स्ट इज बाइलेटरल इश्यूज बिटवीन मेंबर स्टेट अब मेंबर स्टेट के बीच में ही बाइलेटरल इश्यूज चलते रहते हैं जैसे कि बांग्लादेश इज फेसिंग वन ऑफ द वर्स्ट रिफ्यूजीज क्राइसिस इन बांग्लादेश इज फेसिंग वन ऑफ द वर्स्ट रिफ्यूजी क्राइसिस ऑफ रोहिंग्या फ्रॉम म्यांमार हु आर परसिक्यूशन इन द स्टेट ऑफ रखाइन इन म्यांमार देयर इज अ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन म्यांमार एंड थाईलैंड तो क्या देखने को मिला कि जो बांग्लादेश है उसमें आप सभी ने पढ़ा होगा देखा होगा कि रोहिंग्या का क्राइसिस आया था अभी कुछ दिनों पहले रिफ्यूजीज थे वो रोहिंग्या के जो म्यन्मार से फ्ली करके आ गए थे एंड देयर इज ऑल्सो अ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट विद म्यांमार एंड थाईलैंड मीन्स कंट्रीज नेशन कंट्रीज में मेम्बर कंट्रीज के आपस में ही कंफ्लिक्ट है तो वो एक साथ कैसे कॉरपोरेशन कर सकते हैं नेक्स्ट इज नो एफ टी ए Foreign Foreign Trade Agreement. So, uh, Foreign Trade Agreement, Agreement so was negotiated in 2004. Talks on it are yet to be concluded. उसपे नहीं हुआ टू थाउजेंड फोर्टीन टू थाउजेंड 2004 में negotiate कर दिया गया था नेक्स्ट इज द बी सी आई एम सो द फॉर्मेशन ऑफ अनदर सब रीजनल इनिशिएटिव जो एक और रीजनल कॉरपोरेशन uh, बना दिया गया विच इज बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार बी सी आई एम फोरम विद द प्रो एक्टिव मेंज क्रिएटेड मोर डाउट अबाउट द एक्सक्लूसिव पोटेंशियल ऑफ बिमस्टिक तो अब जब नए नए आप बनाते जाएंगे तो आप पुरानों पर कैसे ध्यान दे पाएंगे सो दिस दीज आर ऑल द चैलेंजेस ऑफ द बिम्स्टिक नाउ लेट सी दे फॉरवर्ड मीन द कॉन्क्लूजन वी गेट फ्रॉम द बिमस्टिक दट वॉट इज दिट एंड वॉट वी हैव स्नेस्ड आउट फ्रॉम इट So, since the Bimstic region is not notable for its diversity, the member state need to build on the regional synergies and work toward utilizing the available resources in the most optimal manner. मीन्स जितने रिसोर्सेज हैं उसका अच्छे से यूज़ ही नहीं हो पा रहा है और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है बिमस्टेक नेशन में मेंबर नेशन आपस में ही इशूज़ चल रहे हैं सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू विद इट एंड दिस वुड हेल्प बिल्ड अ स्ट्रॉगर एंड मोर डायनेमिक्स बिमस्टेक और इसकी वजह से जो ये नेगोशिएशन हो रहा है चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं इसकी वजह से आगे आने वाले समय में आपको बहुत सारे ऐसे बिम्स्टेक देखने को मिलेंगे और भी सारे ग्रुप्स देखने को मिलेंगे so that is uh, all about the bim stack I'll also provide the pdf uh, of this in the links given in the description and comment section below you can take from it and uh, guys uh, thank you for watching our video and if you like it please do like share and subscribe to our channel and you can also give the more suggestions in the comment section